आदर्श कॉलोनी होडल निवासी शहीद दीपक कुमार शर्मा का सोमवार देर शाम राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। तिरंगा झंडे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर दिल्ली एयरपोर्ट से उनके निवास स्थान पर लाया गया। शहीद दीपक कुमार के अंतिम संस्कार से पहले उनके निवास से जुलूस के रूप में भारत माता की जय, श्री दीपक कुमार शर्मा अमर रहे, वंदे मातरम के उद्घोषों के साथ उनका पार्थिव शरीर मुक्तिधाम ले जाया गया, जहां हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद थी। शहीद दीपक कुमार के भाई ओम प्रकाश ने बताया कि आर्मी हेडक्वार्टर से सूचना मिली कि उनके भाई दीपक का हृदयघात हुआ है। लगभग एक घंटे बाद दोबारा सूचना मिली कि दीपक का इलाज के दौरान निधन हो गया है। दीपक कुमार असम राइफल में सूबेदार थे और मणिपुर में तैनात थे। शहीद की दो पुत्रियां हैं, उनकी पत्नी व माता छोड़ गए हैं। उनकी पत्नी यशोदा देवी के अलावा उनके चार भाई हैं। पिछले साल उनके पिता बद्दी प्रसाद का देहांत हो गया था। वैसे ये बताइए, जो आपका भाई शहीद हुआ है तो इनकी ड्यूटी कहाँ पर थी और ये कौन से पद पर तैनात थे और ये कैसे शहीद हुए? वैसे इनकी ड्यूटी असम राइफल में थी, ये असम की ड्यूटी थी इनकी जी, और ये उसमें थे जी, और क्या नाम है उसमें, असम राइफल में। तो इनके कितने बच्चे हैं और कितने साल इनके फौज में लगे हुए हुए? इनके दो लड़कियाँ हैं जी, इनकी छोटी छोटी, लड़का कोई नहीं है जी, इनको लगे हुए 21 साल हो गए, 20 साल हो गए।